हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगैन। एक और बार दिल की गहराई से, कितने हैं जो हृदय से परमेश्वर को पुकारते हैं, जितने भी हैं, नंबर नहीं मालूम किसी को भी, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप अपने परिवार में भी देख सकते हैं कितने वाकई में सच में पुकारते हैं। सभी परिवार तो एक जैसे नहीं हैं और ये एक चिंता का विषय है। भले ही आपकी और मेरी चिंता हो, प्रभु ने कहा है कि तू किसी भी बात की चिंता ना कर। जब कहा है तो ये मान लो। मैं किसी काम में व्यस्त था एंड आई सॉ माय वाइफ, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, मैंने कहा तुम्हारे मुंह क्यों लटका के रखा यार? और वो कहती है कि हमारे साथ पहले बहुत मुश्किलों में हो गए, हम किश्तें नहीं चुका पाए, तुम्हारा घर चला गया, ये सब कुछ हो गया, वो बर्बाद हो गया। मैंने कहा हाँ हुआ तो है। तो बोले अभी इस बात की चिंता हो रही है। मैंने कहा किस बात की चिंता करना, अभी चिंता में अगर उससे पहले मर गए तो? बोले हाँ वो तो सही बात है, लेकिन नहीं मरे तो ये सब कुछ तो झेलना ही पड़ेगा। वाई यू थिंकिंग दैट कि ये सब होगा हमारे साथ? जो चीज़ हुई नहीं है उसी बात के लिए किस बात की चिंता करना? अब चिंता करके कर क्या लोगे? दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता करके तुम एक सफ़ेद बाल को काला नहीं कर सकते, काले को सफ़ेद नहीं कर सकते, तो फिर चिंता क्यों करनी है? पर चिंता की बजाय धन्यवाद, स्तुति और प्रार्थना करनी है। चलो आप मिलकर करते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ आज आपके लिए चैप्टर 50, यशायाह की पुस्तक, उसका 50 अध्याय। मैंने किसी दिन ये बोला मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो किसी ने कहा आप पढ़ना चाहते हो, हम सुनना नहीं चाहते। हाँ आप सुनो ना सुनो, पर मैं तो पढ़ूंगा। ये मैंने उसे जवाब दिया। आइए मिलकर संगति करते हैं। आप यहाँ हैं एंड आई नो यू वॉन्ट टू हेयर दिस एंड यू वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम द लॉर्ड। ये है 50 अध्याय, पहले वचन से मैं पढ़ूंगा। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है, जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था? या मैंने किस व्यापारी के हाथ तुम्हें बेचा? यहोवा यूं कहता है, सुनो तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए, और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ और महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ। उनकी मछलियों का जल बिना मर जाती हैं और बांसती हैं। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट को उसका ओढ़ना बना देता हूँ। कितने हैं जो वाकई में इस बात से परमेश्वर यहोवा के सामने एक अजीब सी समस्या, एक अजीब सा सवाल खड़ा कर देते हैं? मतलब ये सवाल करते समय लोग किस रीति से सोचते हैं? परमेश्वर क्या जवाब नहीं दे सकता? ही कैन एंड ही विल डेफिनेटली, बट वाई पीपल बिहेव लाइक सच काइंड ऑफ थिंग, यू नो, बहुत बुरी बात है, बहुत ही अलग है। वी नीड टू थिंक लाइक, सोचना पड़ेगा हमें। और आगे मैं पढ़ता हूँ, इसे चार पद से लिखा है। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभाल ना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता कि मैं शिष्य के समान सुनूं। मुझे भी सुनना है, ऐसा ही प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। ये प्रार्थना में शामिल कीजिए ये शब्द, प्रभु यहोवा ने मेरे कान खोला है और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। मैंने मरने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया कि वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकदमा लड़ेगा? हम आमने सामने खड़े हों, मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए, सुनो प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। बहुत सिंपल और सरल तरीके से, चाहे जो परिस्थिति कहीं पर भी कैसे भी समस्या हो, सिचुएशन हो, वो लोग खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। एंड दैट सेम वे आई नो, मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए हर जगह पर खड़े रहते हैं और हमेशा शांति मिलती है।
10 पद से पढ़ूंगा। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो। वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशाएं लगाए रहे। देखो तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर से बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगे। यह है प्रभु परमेश्वर का वचन। वो ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, परंतु वो बात करेगा, संभालेगा और वो अपनी महिमा दिखाएगा। यही है उसका स्वभाव आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। तब आप कैसे प्रतिउत्तर देंगे? जैसे आप अभी तक ये देख रहे हैं ना वीडियो, आप अभी तक संगति कर रहे हो और रोज संगति कर रहे हो, मैं आप सबके कमेंट्स देखता हूँ, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से, सबके कमेंट्स पर जवाब नहीं दे पाता। इट्स नॉट रियली इजी एवरी डे, बट यस आई सी योर मैसेजेस। एक भाई हैं जो हमेशा ये लिखते हैं, लॉर्ड आई नीड यू, लॉर्ड आई नीड यू, लॉर्ड आई नीड यू, कई सारे उस पर यही बातें। या दैट्स ग्रेट, आई सी दैट, मैं सब देख रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से एक एक कमेंट देखता हूँ, वो बहन के, वो भाइयों के, जो हमारे राज्य से, हमारे देश से, और जो पाकिस्तान से हैं, जो कि दूसरे देशों से हैं। आई सी ऑल ऑफ योर मैसेजेस। मुझसे भी अधिक परमेश्वर आपके दिल को देख रहा है। हालेलुया, लेट्स प्रे। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति तारीफ, तेरी जय जयकार, तेरी महिमा, तेरी स्तुति प्रभु हमारे हृदय में जो तूने रखा है प्रभु, और अधिक बड़ा अनुग्रह आशीष से भर दे। तेरी आशीष हो मेरे भाई बहन जो प्रभु में यहाँ तेरे वचन में संगति करते हैं रोज, उनके लिए तू बात कर, अपने अनुग्रह अपनी दया को रख। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आशीष करे। फिर मुलाकात होती है अगली सुबह होती है। चैम से की हम कड़ी मेहनत करते हैं इस शरीर को बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, लेकिन क्या हम आत्मिकता के लिए भी ऐसी मेहनत करते हैं? आइए शुरुआत करते हैं विजनरी रेडियो पर, 24 घंटे 7 दिन।